हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी व्यूअर साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सहारे से जुड़ी हर एक लेटेस्ट वीडियो आप तक लेकर आते हैं। दोस्तों, अब से चार दिन पहले हमने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमें एक कमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि ये फेक वीडियो है। तो दोस्तों, आज हम पूरे एविडेंस के साथ आपके लिए ये वीडियो लेकर आए। लेकिन हम बता दें कि वो जो हमने चार दिन पहले वीडियो डाली थी उसमें हमने क्या आपको बताया था। दोस्तों, उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि मनोज मनु को सहारा समय के जो चीफ एंड एडिटर पद पर से हटा दिया गया है, उनकी जगह रमेश अवस्थी को नया चीफ नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि आज जो हम आपके लिए न्यूज़ लेकर आए हैं पूरे सबूतों के साथ लेकर आए हैं। पहली खबर जो हमारे पास ये खबर निकल कर आई है 31 मई 2020 की है, जिसका हेडिंग है बुरी तरह फंस गए सहारा टीवी के ग्रुप एडिटर मनोज मनु, जबरन छुट्टी पर भेजे गए, जांच शुरू। तो दोस्तों, शुरू करते हैं पूरी खबर क्या है। सहारा समय न्यूज़ चैनल के ग्रुप एडिटर मनोज मनु बुरी तरह से चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। उन पर गंभीर आरोप लगे हैं जिसकी जांच चल रही है। प्रबंधक ने उन्हें जबरन छुट्टी पर भेज दिया है। मनोज मनु लंबे समय से सहारा टीवी के रीजनल न्यूज़ चैनल सहारा समय MPGCG के हेड रहे। उन्हें प्रमोट करके ग्रुप एडिटर भी बना दिया गया। मनोज मनु उस समय कई आरोपों से घिरे हुए थे। बताया जाता है कि आर्थिक गड़बड़ियों के कुछ गंभीर मामले की जांच चल रही है। प्रबंधक ने जांच होने तक उन्हें छुट्टी पर भेज दिया, यानी कि सहारा ग्रुप के प्रबंधक ने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया है ज़बरदस्ती। मनोज मनु इस छुट्टी के दौरान कोई वेतन भत्ता नहीं पाएंगे। सहारा इंडिया के मानव संसाधन विभाग के अमिताभ चक्रवर्ती की तरफ से जारी एक आदेश में मनोज मनु को कहा गया है कि वे बिना अनुमति के कहीं नहीं जाएंगे और जब उन्हें बुलाया जाएगा जांच के लिए उन्हें सामने उपस्थित होना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये पत्र आपके सामने दिख रहा होगा। जो पत्र हम आपके लिए लेकर आए हैं वह सहारा इंडिया परिवार की तरफ से मनोज मनु के लिए दिया गया है। और इसमें क्या लिखा है दोस्तों, ये इंग्लिश में पत्र है और इसमें लिखा गया है कि विशेष परिस्थितियों में, यहाँ दोस्तों मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूँ उसका, विशेष परिस्थितियों में प्रबंधक नैतिक अवकाश देने, यानी कि बिना वेतन के छुट्टी देने के लिए बाध्य हैं। कौन? सहारा ग्रुप। आपके खिलाफ लंबित जांच चल रही है, यानी कि मनोज मनु के खिलाफ एक जांच चल रही है। इसके तत्काल उन्हें प्रभाव से पूरी तरह से निष्कर्ष कर दिया गया है। अतः समूह संपादक और एंकर के रूप में आपकी जिम्मेदारियों को वापस लिया जा रहा है। और आगे लिखा है कि अगले आदेश तक आपको इस अवधि के दौरान कोई भत्ता नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, ने कोई पैसे वैसे नहीं मिलेंगे और ना इसके वे हकदार हैं। हालांकि आपको अवकाश पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर जांच का सामने उपस्थित होना होगा और आप समक्ष पदाधिकारी के पूर्व अनुमति के बिना स्टेशन से बाहर नहीं जाएंगे, यानी कि जहां पर ये रहते हैं वो वहां पर एक तरह से समझो कि नज़रबंद है और उनको बिना उनकी अनुमति के बाहर नहीं भेजा जाएगा। तो दोस्तों, ये पूरा इस वक्त हमारे पास एक वो सबूत है जिसके लिए हमने आपको ये वीडियो डाली, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप लोगों को ये पता चले कि हम लोग आपको फेक न्यूज़ देते हैं, क्योंकि पूरा एविडेंस आपके सामने है। आगे खबर है कि सहारा समय के ग्रुप एडिटर मनोज मनु तभी पद से हटाए गए। गंभीर मामले में फंसे सहारा समय के ग्रुप एडिटर मनोज मनु को सहारा न्यूज़ नेटवर्क में लंबी पारी का अंत हो गया, यानी कि बहुत लंबे टाइम से यहाँ पर ये डटे हुए थे, अब उनकी ये लंबी पारी ख़त्म हो गई है। उनके खिलाफ गंभीर मामले होने के कारण सभी पदों से मुक्त कर दिया गया है। यहाँ तक कि सहारा प्रबंधक के वरिष्ठ अधिकारियों की जाँच टीम अभी मामले की गहराई से जाँच कर रही है और तब तक उनके सहारा परिसर में आने पर रोक लगा दी गई है। जांच पूरी होने तक उन्हें अवकाश पर भेज दिया गया है और सहारा ग्रुप से जुड़ी किसी भी गतिविधियों में शामिल होने से रोका गया है। इस दौरान उनका वेतन और अन्य सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी। उनके सारे
प्रमाणों में सभी चैनल से हटा दिया गया, यानी कि जितने भी चैनल से उन सभी प्रोग्रामों से उन्हें हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ गंभीर शिकायतें हैं जिन्हें भ्रष्टाचार से लेकर ब्लैकमेलिंग और दुर्व्यवहार तक शामिल है, इसलिए पहले उन्हें सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के चैनल हेड पद से हटाया गया, फिर शिकायतें में गंभीर तथ्य मिलने पर सारा समय ने उनसे पल्ला झाड़ लिया। मनोज मनु सारा समय की शुरुआत से ही जुड़े रहे और निचले स्तर से शुरुआत करने के बाद ग्रुप एडिटर के पद तक पहुँचे। बताया जा रहा है कि प्रबंधक को लंबे अरसे से उनके खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, लेकिन तमाम चेतावनियों के बाद भी उनकी ब्लैकमेलिंग वाली गतिविधियां नहीं रुकी, जिससे सारा ग्रुप की बदनामी हो रही थी। उनसे जुड़े कई सहयोगी भी गतिविधियों में संकलन रहे, यानी कि उनके साथ कुछ और मिले हुए थे और उनके बारे में तमाम अखबारों और वेबसाइटों में छप चुका है। इसके बाद भी राजनीतिक प्रभाव और ब्लैकमेलिंग के बलबूते पर प्रबंधक उन्हें हटाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब तमाम चौंका देने वाले तथ्य आने के बाद प्रबंधक ने उनकी छुट्टी करने का मन बना लिया है। इस खबर के बाद सारा ग्रुप में हड़कंप मचा हुआ है और इस तरह की चर्चा है कि उनके खिलाफ प्रबंधक कानूनी कार्रवाई भी कर सकती है, इसलिए उन्हें जांच पूरी होने तक बिना अनुमति के शहर छोड़ने पर रोका गया है और बुलाने पर जांच टीम के सामने उपस्थित होने को कहा है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर आपको एसटी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएँ। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।